हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभि मित्तल एंड यू आर वॉचिंग अभि मित्तल व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो एफिडेविट्स और जो बॉन्ड सबमिट करने होते हैं ड्यूरिंग एडमिशंस इन PGIMS रोहतक, और या फिर आप कोई भी ऐसा स्टेट का कॉलेज ले रहे हो जो कि हरियाणा का स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, जैसे कि करनाल, सोनीपत, मेवात, NPGIMS रोहतक। वहाँ पर आपको पता होगा कि एक तो होता है सर्विस बॉन्ड, दूसरा हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो होता है कि आपको अगर आप बीच में सीट छोड़ देते हो तो आपको अमाउंट पे करके वो सीट छोड़नी पड़ती है, वो वाला बॉन्ड। और कुछ प्रकार के एफिडेविट्स भी वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि एक होता है स्पेलिंग एफिडेविट और एक होता है जो NRI बच्चे होते हैं उनके लिए कि है वो NRI है, उसको साबित कराने के लिए एक होता है NRI एफिडेविट। आज मैं जैसे कि मेरा एडमिशन अभी PGIMS रोहतक में हो रहा है, वो वहाँ पे हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आपको ये बॉन्ड फिल करवाना है। उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन एक बारी में नहीं दी, जब हमारा मेडिकल हो रहा था उस दिन उन्होंने कहा कि बॉन्ड्स को लेके आना है, और आज सैटरडे तो आज नहीं बन पाएगा, मंडे को मैं भी उनको कराऊंगा तैयार। ये बॉन्ड जो है, ये एफिडेविट जो है, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन से बनता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आप तहसील से पता कर सकते हैं, जो कि आपका तहसीलदार होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, मेनली वो साइन करते हैं इसके ऊपर, या कोई जज वगैरह होगा तो वो साइन कर देगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि कौन कौन साइन कर पाता है, कि हाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस पे साइन करता है ये बात कंफर्म है। ये आपको 100-100 रुपए के स्टाम्प पेपर जो होते हैं, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर जो होता है उसके ऊपर आपको टाइप करवाना होता है और उसी के ऊपर ये बनता है। बाकी एक एफिडेविट ऐसा है जो 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर बनता है। मैं आपको सभी एफिडेविट्स दिखा देता हूँ, उन सभी को डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर जाएं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट टाइपिंग जो आपको उचित लगे वो आप करा सकते हैं। इस पर साइन करवा के, इसे वैलिड करवा के आप सबमिट करवाना। जब भी आप DV के लिए जाओ इसे साथ लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको कह दिया जाएगा कि इसको लेके आए, ठीक है। ये है एग्रीमेंट बॉन्ड जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे रेडी होगा और ये अटैच होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके अंदर आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैं 10 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन कर रहा हूँ और मैं एडमिशन ले रहा हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है मैंने स्पेशलिटी पंडित BD शर्मा के नाम से रेडी कर रखा है, जो भी यूनिवर्सिटी का आपको सिलेक्ट हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नाम है यूनिवर्सिटी का वो चेंज कर लीजिएगा। मैं जो स्पेसिमेन कॉपी है वो भी ऐड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आप ये आप डिक्लेयर करते हैं कि मैं 10 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन कर रहा हूँ और मैं ये सीट ले रहा हूँ, मुझे सीट अलॉट हो रही है। यहाँ के आपको 2 श्योरिटीज चाहिए, मतलब 2 आपको गारंटर चाहिए और 2 आपका विटनेस होते हैं इसके अंदर। अगर मैं मतलब इसके अंदर आपने ये कहा कि अगर मैं कोर्स को बीच में छोड़ता हूँ, कोर्स के स्टार्ट होने के बाद, मतलब मैं वो सीट वेस्ट करता हूँ किसी की, तो किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो मैं 10 लाख रुपीज़ भरने का अधिकारी हूँ, मतलब वो उसको 10 लाख रुपीज़ पे करने ही करने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पे जो विटनेस है उनके साइन होंगे और जो श्योरिटीज है उनके साइन होंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वाला है वो पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अंडरटेकिंग है, ये सर्विस बॉन्ड है कि ये हर एक यूनिवर्सिटी का मोस्टली सेम मिलेगा, कुछ एक आधा वर्ड अगर आगे पीछे होगा तो होगा। यहाँ पे आप अंडरटेकिंग दे रहे हो सर्विस बॉन्ड वाले के लिए, जो कि 6 नवंबर 2020 को अनाउंस किया गया था कि जो फीस इंक्रीमेंट था 10 लाख रुपीज़ पर ईयर का जो सर्विस बॉन्ड था, 7 ईयर सर्विसेज या फिर आपको 40 लाख 50 लाख पे करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा गया है। आप इसे रीड कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसको बनवाना भी ज़रूरी है। ये भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा बनेगा और 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ही बनेगा, ओके। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, सेल्फ अटेस्ट होगा, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का फ़ोटो आएगा वो भी सेल्फ अटेस्ट होगा, ठीक है। लास्ट में आप यहाँ पे अपने साइन वगैरह कर देंगे। ये तो था जो आपके सर्विस बॉन्ड वगैरह के लिए होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ दूसरे की। दूसरा है जैसे कि ये वाला है NRI बच्चों के लिए, ये 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे तैयार होगा। ये मेरे को कहाँ से मिला, ये मेरे को सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था, मैंने वहाँ से इसकी इमेज क्लिक्स की है, ठीक है। निकिया आप यहाँ पे फिल करेंगे कि मैं रेजिडेंट हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे और मैं NRI स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेलिंग वाला, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर है या नहीं है उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है,
जैसे 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आप इसे प्रिंट आउट करवाएंगे कि मेरे को PGIMS रोहतक या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है और मैं कोई भी इसके अंदर मेरी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी वेरिफिकेशन कर देंगे और यहाँ पे ये भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ही अटेस्ट किया जाएगा। तो आप इसे भी टाइप करवा के, प्रिंट आउट करवा के, इस पर स्टैंप लगवा के सबमिट करवा देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ जो MBBS और BDS में सिलेक्शन ले रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बात अभी तक अनाउंस नहीं हो रही है, बच्चों को नहीं बताया जा रहा है कि बॉन्ड कैसे बनेगा। वहाँ पे बच्चों को बहुत मुश्किलें फेस करने को मिल रही है, इसीलिए आप इसको साथ में लेके जाना ज़रूर। थैंक यू।